हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी हो गए हैं परेशान, आपकी भी वृद्धा पेंशन रुक गई है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्या दोस्तों आपकी भी केवाईसी नहीं हुई है या फिर हो गई है? आपको ये कन्फ्यूजन है कि हमारी केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है? आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा, अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं आपकी जो केवाईसी है, आधार केवाईसी, वो हुई है या फिर नहीं हुई है। आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड जिसके लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा वृद्धा पेंशन। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट इस तरीके से ओपन होकर आ जाती है, वृद्धा पेंशन योजना। आपको करना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। साथ ही यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करे वाले ऑप्शन पर करना होता है क्लिक। लेकिन दोस्तों, ये इसके लिए क्लिक करना होता है जब हम अपने नए फॉर्म को आवेदन करते हैं। बट दोस्तों, हमें तो अपनी केवाईसी को चेक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन आवेदक के नीचे, आवेदक लॉगिन, तो हमें करना है इस पर क्लिक। केवाईसी करना है तो हमें दोस्तों केवाईसी चेक करने के लिए आवेदक लॉगिन वाले बटन पर ही क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है पंजीकृत आवेदककर्ता लॉगिन। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, इसमें हमें टिक करना है। और यहाँ पर हमें मिलती हैं तीन पेंशन। सबसे पहली पेंशन है ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन, सेकंड है दोस्तों विधवा पेंशन, और थर्ड है आपकी विकलांग पेंशन। तो आपको इनमें से तीनों में से कोई भी पेंशन चूज कर लेना है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में ओल्ड एज पेंशन का बता रहा हूँ यानी कि वृद्धा पेंशन का बता रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से इन तीनों पेंशन में से किसी एक पेंशन का चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालने का। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 31 या फिर 32 के नंबर से जो रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या होती है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको कहाँ मिलेगी? तो साथियों, ये जो रजिस्ट्रेशन संख्या है आपको वृद्धा पेंशन की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर आपको लिस्ट जो मिलती है, उस लिस्ट में दोस्तों आपके नाम के आगे ही आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हुई मिल जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या को कॉपी कर लेना है या फिर दोस्तों नोट कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन संख्या से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों, जब भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया होगा यानी कि वृद्धा पेंशन ऑनलाइन कराई होगी, उस समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। यानी कि जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय जो मोबाइल नंबर लिंक कराया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, एंड उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का जो ओटीपी है आता है, और इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना होता है। उसके बाद इस कैप्चा को फिर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और फिर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेता हूँ और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके दोस्तों इस फॉर्म को कर लेता हूँ लॉगिन। उसके बाद आपको पूरा जो स्क्रीन पर लाइव प्रूफ स्टेटस है दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने फॉर्म को जो है लॉगिन कर लिया है दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद। अब दोस्तों हमारे सामने जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले हमें दोस्तों अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। डिटेल हमारी सबसे पहले यहाँ पर मिल जाती है पेंशन, उसके बाद दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद हमें मिलता है अपना नाम जो भी हमारा पेंशन में नाम है, एंड इसके बाद यहाँ पर मिलता है हमें अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मेन है टॉपिक वो मिलता है आवेदन की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन की स्थिति में आपको पहला ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, और दूसरा ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फाइनली लॉक का। ये दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं, बट हमारा दोस्तों जो थर्ड नंबर का जो है आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली फॉरवर्ड, ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन अभी पेंडिंग में है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, और आपका यहाँ पर इस तरीके से गुणा का निशान इस तरीके से लगकर आ जाएगा अगर आपकी केवाईसी नहीं होगी। और अगर आपकी केवाईसी करी हुई है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर जो डेमोग्राफी हुई है उसकी डेट यहाँ पर लिखकर आ जाएगी, आधार ऑथेंटिकेशन डेमोग्राफी डेटा की। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड में यहाँ पर वेरीफाई नहीं है, कोई मिस्टेक है, तो आपका यहाँ पर गुणा का निशान मैंने आपको बताया
लगकर आ जाएगा और आपकी केवाईसी नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी केवाईसी अभी पेंडिंग में है। इसलिए दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा रोक दी गई है। तो सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी करना है, अगर कि आपकी केवाईसी हो गई है तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपकी जो पेमेंट है आपके खाते में जल्दी ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बारी बारी से रोज़ाना जो है पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी भी किसी ना किसी ने आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि आपकी केवाईसी यहाँ पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली होना चाहिए, तभी आपकी जो पेंशन आपके खाते में पहुंच पाएगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।